मेरे बाल। अरे मेहर, तेरे बाल वापस कैसे आ गए? बालवीर की वजह से। शायद उससे मेरा दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसने मेरे बाल वापस कर दिए। हाँ, बालवीर सच में हमारा बीबी भी है। लेकिन मेहर, बालवीर ने जो तुम्हें ये नए बाल दिए, वो तुम्हारे पुराने बालों से बहुत ज्यादा लंबे है ना? लंबे बाल तो मुझे हमेशा से ही पसंद थे, इसलिए मुझे बालवीर ने इतने लंबे बाल दे दिए। सॉरी, मुझे पता नहीं था। वो देखो तौबा तौबा, जिस गति से मेहर के बाल लंबे हो रहे हैं, उस गति से तो उसके बाल कुएं के रस्सी जितने लंबे होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हो रहा है ये सब कुछ तो बिल्कुल सही दैत्यानी, मगर अगर कहीं चल गया पता बालवीर को, तो छोड़ेगा नहीं वो आपको। नहीं तौबा तौबा, नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर बालवीर और परियां कुछ कर सकते थे, तो मेहर के बालों में जादुई जल डालने से पहले कर सकते थे। लेकिन अब वो चाहकर भी मेरे जादू का असर समाप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि ये जादू किया तो किसने किया। क्या बालवीर है लगता मुझे, चल गया पता उसे आपकी योजना का। चलिए भागिए यहाँ से। बालवीर, वो देख बालवीर भी चोर के पीछे भाग रहा है। हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं मेहर, तू रहने दे, बालवीर है ना, बालवीर उस चोर को पकड़ लेगा। हाँ, पर मानव। अरे ये सब क्या हो रहा था? बालवीर, तुम्हारे दिए हुए बाल हैं, थोड़े अलग तो होंगे ना? मेरे दिए हुए बाल? मैं तो मेहर के लिए नकली बालों की वीक लेके आने वाला था। लेकिन अगर मैं ये बात मेहर को बताऊंगा तो वो नाराज हो जाएगी, इसलिए अभी मेहर को खुश रखने के लिए मैं हाँ बोल देता हूँ। हाँ मेहर, अब तुम्हें लंबे बाल चाहिए था ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें लंबे बाल दे दिए। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं बालवीर, कोई शिकायत तो नहीं है, बस तुम्हें नहीं लगता कि ये बाल कुछ ज्यादा ही लंबे हैं? मेहर सही कह रही है, इसके बाल कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए। कहीं ये परियों ने तो नहीं किया? नहीं नहीं, परियों ने तो मेहर के बालों के ऊपर जादू करने से मना किया था। बालवीर, क्या सोच रहे हो? वो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे बाल थोड़े छोटे कर देता हूँ। हाँ, ये सही होगा। ये लो। हाँ।
मेरा जादू मेहर के बालों पर काम क्यों नहीं कर रहा? बालवीर, लगता है कि मेहर के बालों पर बदला ना जा सके वाला जादू हो गया है। बच्चे सही कह रहे हैं, ये बदला ना जा सकने वाला जादू है, पर ये जादू मैंने नहीं किया और ना ही ये जादू परियों ने किया है। तो फिर ये जादू किया किसने? इसका पता लगाने के लिए मुझे मेहर के कुछ बाल परीक्षण के लिए ले जाने होंगे। शायद इसलिए मैं तुम्हारे कुछ बाल परीक्षण के लिए ले जा रहा हूँ, जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तुम स्कूल में जाओ। लेकिन बालवीर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सर मुझे इन बालों के साथ क्लास में बैठने नहीं देंगे। मेहर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शिक्षक से मैं बात कर लूंगा। तब तक तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। चल माना। तौबा तौबा, परियों को अब तक ये पता नहीं चला है कि मैं आजाद हो चुकी हूँ, और जब तक मैं अपने असली रूप में आके शक्तिशाली ना बन जाऊं, मैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर पता नहीं चलने दूंगी। दैत्यानी, बना लो आप जितनी भी योजनाएं, पर है जा रहा बालवीर लेकर मेहर के बालों को परीक्षण करने के लिए। अब खुल जाएगी आपकी सारी पोल। तौबा तौबा, चाहे वो बालवीर या फिर वो परियां, कितना भी परीक्षण कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं बल्कि कर लेंगे वो सब कुछ पता। अरे हो नहीं जानती आप परी और बालवीर को, जितना हूँ जानता मैं उन सबको। चलो मान लिया कि उस बालवीर और उन परियों को मेरे योजना के बारे में सब कुछ पता चल गया, लेकिन वो लोग फिर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तब तक मैं जवान और शक्तिशाली बन जाऊंगी। लेकिन दैत्यानी, फिर भी दो मत एक भी मौका आप उस बालवीर को, क्योंकि है वो शातिर और तेज तर्रार योद्धा, है गिरा सकता वो बड़े से पहाड़ को एक छोटी सी सुई से, और है कर सकता धराशायी आपकी सारी योजना एक ही पल में। सोचिए। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ है। तौबा तौबा, मेरे पास एक योजना है जिससे उन परियों को कभी ये नहीं पता चलेगा कि मैं आजाद हो चुकी हूँ, और अमृत कुएं से पानी पीने के लिए मैंने ही मेहर के बाल लंबे किए हैं। सुनो मेरी बात। सुनाइए। तौबा तौबा, बालवीर यहीं पर आ रहा है, तुम जाकर कहीं छुप जाओ। सिर्फ मैं अपने आप को बालवीर के हाथों पकड़वाऊंगी, हम दोनों एक साथ पकड़े नहीं जाने चाहिए। जाओ यहाँ से। हाँ, नुकीली परी, तुम जिंदा कैसे हो गई? भले ही तुम जिंदा हो गई, अभी मैं तुम्हें परीलोक ले जाऊंगा, क्योंकि परीलोक का कैदखाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कर्तव्य देखना है तेरे को। कर्तव्य देखेगा, रोहित केवल कल से जोकर बन के घूम रहा हूँ, सब बच्चे मुझ पर हंसते। बालवीर जी ने बोला था कि आज सुबह तक मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, पर अभी तक नहीं हुआ। मोंडू बॉस, देखो बालवीर जी की दी हुई सजा खत्म हो गई। हाँ बॉस, अब जोकर से वापस आती, मतलब मोंडू बॉस बन गए।
मैं मोंटू बन गया। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। रोहित केवल, ये सब कैसे हो गया? मेरे के बाल इतने लंबे कैसे हो गए? बॉस, लगता है ये सब जरूर बालवीर जी ने किया होगा। नहीं, बालवीर जी ने कल साफ साफ मना कर दिया था कि वो मेहर के बाल बढ़ा नहीं सकते। ये जरूर वीक लगा के आई होगी, सब बच्चों को उल्लू बना रही है। मैं अभी जाके इसका वीक निकालता हूँ, फिर सब बच्चे इसके ऊपर हंसेंगे। बॉस, बड़ी मुश्किल से बालवीर जी की एक सजा खत्म हुई है, अभी आप क्यों दूसरी सजा पाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ, नहीं, बालवीर जी इस बार मुझे सजा नहीं देंगे, बल्कि मुझे शाबाशी देंगे। देखना, मैं सबको उल्लू बना रही है ना, मैं इसका पर्दा फाश कर दूंगा, फिर बालवीर जी मुझे शाबाशी देंगे। चल। एक मिनट, ये देखो किसी का आईडी कार्ड गिरा हुआ है। ये तो किसी 6 क्लास ए सेक्शन के बच्चे का आईडी कार्ड है। चल केवल चल। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना, तू जा। अरे चल। अरे जा तू। अरे तेरा। वैसे मेहर, सच बोलूं तो मुझे तेरे बाल असली नहीं लग रहे हैं, मुझे तो ये विग लग रहा है। विग? मानव, खबरदार ऐसे कहा तो पीट दूंगी। तुझे पता है ना, मेरे ये बाल 100% असली है, समझा? हाँ। अरे छोड़ो, अभी से बाद में पीटना, हम ये आईडी कार्ड उसे देकर आते। चलो। हाँ चलो। रोहित, वो मैप का विग नहीं है, वो मैप के असली लंबे बाल है। पर पता नहीं ये बाल एक रात में इतने लंबे कैसे हो गए? कुछ तो गड़बड़ है रोहित। नुकीली परी? तो तुम्हें जीवित करने के लिए भयंकर परी ने उस जादुई लेप को चुराया था। नुकीली परी, बुराई की उड़ान ज्यादा लंबी नहीं होती है, ये बात कभी नहीं भूलना। अभी तो तुम आजाद हो गई हो, लेकिन ज्यादा देर तक सच्चाई की कैद से बच नहीं पाओगी। इसका मतलब मेहर के बालों के बढ़ने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। क्यों बढ़ा रही हो तुम मेहर के बाल, इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है? नुकीली परी, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो मेहर के बालों को ठीक करने का उपाय बता दो हमें। बालवीर, मैं बुराई का वो समंदर हूँ जिसकी गहराई का तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं। बस मुझे इंतजार है मेहर के बालों को लेकर अमृत कुएं के पानी पीने का, जिसके बाद मैं अपना रूप और शक्तियां दोनों पा लूंगी। तब तक तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी।
नुकीली परी, हंसना बंद करो। अगर तुमने उपाय नहीं बताया तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। रुकिए बाल्वीर, नुकीली परी का अंत करने से पहले हमें उसका असली उद्देश्य जानना जरूरी है। हाँ बाल्वीर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब तक यहाँ इस तरह चुप है, इसकी असली जगह कालिक कैद खाने की अंधेरी कोठरी में ही है। हाँ बाल्वीर, और तब तक ये हमारी कैद में रहेगी, इसलिए मेहर के बढ़े हुए बाल उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ, और इस बीच मेहर के बालों में हुए जादू का तोड़ ढूंढने के लिए हमें काफी समय मिल जाएगा। हाँ रानी परी, इसे कालिक कैद खाने में ही बंद करना चाहिए, क्योंकि कालिक कैद खाने से आज तक कोई भाग नहीं पाया है। हाँ, और वहां से ये तो क्या, इसकी छाया भी बाहर नहीं निकल पाएगी। छाया नहीं, पूरी की पूरी दैत्यानी बाहर आएगी। परियों, तुम्हारा कोई भी कैद खाना मुझे और मेरी बुराई को ज्यादा देर तक कैद करके नहीं रख पाएगा। बालवीर, परियों, हमने पूरे परिलोक में ये सुरक्षा कवच लगा दिया है। अगर ये नुकीली परी काली कैद खाने से बाहर भी निकली तो परिलोक से बाहर नहीं निकल पाएगी। ब्रजतार परी, आरपार परी, आप इसे ले जाओ। जी रानी परी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।